वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी बीमार कर रहा कोरोना का B1.617 वेरिएंट। महाराष्ट्र के विदर्भ में सामने आया था ये नया स्ट्रेन। WHO ने इसे इंडियन वेरिएंट का नाम नहीं दिया है। वैज्ञानिक विनोद सकारिया ने भी इस वेरिएंट के खिलाफ टीके को कारगर बताया। वैज्ञानिकों के अनुसार म्यूटेशन E484Q और L452R होने की वजह से इसे डबल म्यूटेंट कहा गया है। कोरोना का ये वेरिएंट टीका से शरीर में तैयार हुए सुरक्षा कवच से बच निकलता है। 10 देशों के लैबोरेटरी समूह में शामिल इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कॉन्सोर्सिया और ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने SARS-CoV-2B.1.617 को लेकर रिसर्च प्रकाशित की है। रिसर्च में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मेडिसिन विभाग के रवि गुप्ता ने कहा, रिसर्च डेटा में एक वेरिएंट के जोखिम को बताया गया है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि टीका ही अधिकतर लोगों के लिए सुरक्षित है। नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल और वैज्ञानिक विनोद सकारिया ने भी इस वेरिएंट के खिलाफ टीके को कारगर बताया है। भारत ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट B.1.617 से जुड़े अपने 32 पेज के दस्तावेज में इंडियन वेरिएंट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में इंडियन वेरिएंट नाम लिखा जा रहा है, जो बेबुनियाद गलत है, इसका कोई आधार नहीं है। वहीं WHO ने भी कहा कि वायरस को वैज्ञानिक नाम ही लिखा जाए, उसने किसी भी वायरस को किसी देश या क्षेत्र का नाम नहीं दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।